कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से वैज्ञानिक अपनी रातों की नींदों को उड़ाकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि इनका उत्तर उन्हें मिल जाए, लेकिन उनके हाथ अभी तक खाली हैं। और आज आप कुछ ऐसी ही समस्याओं के बारे में फिर से जानने वाले हैं। खैर, समस्या ये भी है कि आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी ये समस्या हल कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। मैं शुरुआत करूंगा अंटार्कटिका से। जी हाँ, जब भी कोई आदमी अंटार्कटिका जैसी जगह पर खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वैसे तो इसके बारे में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं खास तौर पर बात करूंगा इसमें मिले हुए एक बहुत ही अजीब क्रिएचर के बारे में। जी हाँ, वैज्ञानिकों को यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उन्हें यहाँ ऐसी मछलियों की पूरी कॉलोनी मिली जिसे पहले कभी देखा ही नहीं गया था। जनवरी 2022 में हुई इस खोज ने वैज्ञानिकों को अभी तक सदमे में डाला हुआ है। ये सारी मछलियां वहां पूरे 150 मील के क्षेत्र में फैली हुई थी, जबकि इनमें से कुछ ने तो अपने वहां घोंसले तक बना रखे थे। वैज्ञानिकों ने एक अंदाजा लगाया कि इन सभी मछलियों को इकट्ठा करके यहां से उठाया जाए तो इनका भार तकरीबन 60,000 टन के बराबर होगा। इसके आसपास ही सील्स वगैरह भी घूम रही थी, और एक अंदाजे के हिसाब से सील्स जरूर इन मछलियों का शिकार करने वाली थी। ये कॉलोनी आपको सदन वेडल समुद्र में देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि ये मछलियां अंटार्कटिका के अलावा धरती पर और कहीं रह भी नहीं सकती, और यहाँ रहने के लिए इनके शरीर में एंटी फ्रीज प्रोटीन्स भरे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इन्हें यहाँ रहने के लिए किसी तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आया कि आज तक इस मछली के बारे में हम पहले क्यों नहीं जान पाए। सोचकर देखिए, अगर आपके बेडरूम में आपको एक अनजाना लेटर मिले और उस पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ हो डियर फ्यूचर पीपल, तो आपके मन में क्या आएगा? जी हाँ, अप्रैल 2016 में इंग्लैंड के कोवेंट्री में रहने वाले एक परिवार को उनके एक कमरे के फर्श के नीचे एक कागज मिला। वो इस घर में सन 2003 से रह रहे थे, और उस लेटर में कुछ ये लिखा हुआ था, डियर फ्यूचर पीपल, मेरा नाम इलियट है, मेरी उम्र 12 साल की है और मैं यहाँ पहले रहा करती थी। ये मेरा कमरा था और मैं आपके लिए यहाँ एक गिफ्ट छोड़कर जा रही हूँ। ये गिफ्ट एक मैग्नेट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पुराना घर जरूर पसंद आएगा, लेकिन अगर इस मैग्नेट को खास मौकों पर ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा, बाय। ये स्टार जैसा मैग्नेट इस लेटर के बिल्कुल बराबर में ही पड़ा हुआ था, और इसे पढ़ते ही तुरंत इस घर के मकान मालिकों ने अपने से पिछले मालिकों को कॉन्टैक्ट किया जो यहाँ 15 सालों से 2003 तक रहे। और जब उन्होंने इलियट के बारे में पूछा तो पुराने मकान मालिकों ने कहा कि हमारे परिवार में तो कोई इलियट थी ही नहीं। अब यहाँ पर दो सबसे बड़े सवाल थे जो कि इन मकान मालिकों के सामने आ खड़े थे। पहला, ये घर नया बनाया गया था और जिन्होंने बनाया था उनसे बात की जा चुकी थी और उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। और दूसरा सवाल, इस मैग्नेट का क्या राज था और क्यों उसमें ये लिखा गया था कि इस मैग्नेट को खास मौकों पर ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। वो खास मौके कौन से थे जहां ये मैग्नेट इस्तेमाल किया जा सकता था? घर वाले मालिक अब इलियट को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी उम्र अब तकरीबन 50 से 60 साल की होनी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब इस पेपर पर टेस्ट किया तो ये सामने आया कि ये पेपर तकरीबन 40 साल पुराना है, लेकिन अभी तक इन लोगों के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। मेरे ख्याल से जनवरी 2022 में आई इस खबर को जरूर आपने मिस कर दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे जनवरी महीने में हमारी धरती पर 4000 लाइट ईयर्स दूर से कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स आ रही थी। ये रेडियो वेव्स जैसे ही वैज्ञानिकों तक पहुंची तो उनकी रातों की नींद उड़ गई, और अब दुनिया उनसे इनका जवाब मांग रही थी। पहले तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सारी रेडियो वेव्स एक बहुत बड़ी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुकी है उससे हर 20 मिनट में निकल रही हैं, और जैसे ही पहले वाली खत्म होती है तभी नई वेव आना शुरू हो जाती है। जब इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव को चेक किया गया तो वो धरती से तकरीबन 3800 लाइट ईयर्स दूर ट्रेस हुई। ऑस्ट्रेलियन ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने इन रेडियो वेव्स को सबसे पहले नोटिस किया, और जैसे ही उन्होंने इसे पहली बार नोटिस किया तो उनको मजबूरन रातों को भी जागना पड़ा, क्योंकि ऐसा कुछ वो पहली बार देख रहे थे। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये सारी रेडियो वेव्स जरूर किसी सुपरनोवा से निकल रही हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत स्लो है। अगर ये तेज होती तो जरूर कोई न्यूट्रॉन स्टार इन्हें निकाल रहा होता। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इस दावे पर सहमति नहीं बना पाए, क्योंकि इसकी दूरी सिर्फ 4000 लाइट ईयर्स दूर थी, जिसका मतलब ये हमारे पड़ोस में ही कहीं घट रही है। लेकिन बदकिस्मती से हम वहां जाकर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं जुटा सकते। क्या आप समुद्री राक्षसों में विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपकी सोच को भी बदल दूंगा, क्योंकि मेरी अगली खोज बिल्कुल यही काम करने वाली है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक अज्ञात क्रिएचर है, और इसके अवशेष जो कि सन 2013 में एक स्पेनिश बीच पर मिले।
इसकी लंबाई पूरे 20 फीट की थी, साथ ही इसके सर पे सींग भी मौजूद थे। इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ से उठाया नहीं गया बल्कि बीच पर ही वैज्ञानिकों को बुला लिया गया और देश भर के वैज्ञानिक यहाँ पहुंच भी गए। जो जो वैज्ञानिक इसे यहाँ टेस्ट करने के लिए आए थे, इन सभी के दिमाग में अपनी ही कहानी चल रही थी। और इनमें से सबसे बकवास जो मुझे लगी वो ये कि इसे लॉगनेस मॉन्स्टर की लाश बताया गया। अगर आपको नहीं पता कि लॉगनेस मॉन्स्टर क्या था तो मैं आपको बता दूं कि लॉगनेस मॉन्स्टर आज भी स्कॉटलैंड के लोगों के बीच अपना डर बनाए हुए है। अगर वो स्कॉटलैंड में था तो यहाँ क्या करने आया था? जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों के कंकाल को एक शार्क के अवशेष बताया। अगर उनकी बात सही थी तो इसके सर पर सींग क्या कर रहे थे, इस बात का जवाब वो भी नहीं दे पाए। आप खुद देखिए, आपको देखने में चीज क्या लग रही है। कुछ भी हो, ये शार्क कहीं से भी नहीं हो सकती। इसी वजह से इस कंकाल के बारे में हम फिर कभी जानेंगे। अभी तो हम ये जानवर कौन सा है ये भी पता नहीं लगा पाए। अब मैं एक और बहुत ही अजीब डिस्कवरी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ब्रिटिश के एक पार्क में की गई और इस डिस्कवरी को लेडी ऑफ द वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए, यहाँ एक औरत खड़ी है जिसकी लंबाई तकरीबन 9 फीट की है। आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, तो ये एक स्टैचू है और दिक्कत यह है कि इसके चारों ओर आपको हमेशा कटी हुई टहनियों से घेरा बना हुआ दिखाई देगा। और दिक्कत की बात यह है कि आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि ये घेरा बनाकर कौन जाता है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग ये कहते हैं कि जरूर इस पुतले का कनेक्शन किन्हीं बाहरी शक्तियों से है और वही अनजान आत्माएं यहाँ आकर ये घेरा इस स्टैचू के चारों ओर बनाकर जाती हैं। इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर घेरा बनाकर जाते हैं वही लोग इस स्टैचू के गले में पत्तियों का हार भी पहना कर जाते हैं। आसपास रहने वाले लोग इसे हटाने से भी डरते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी बला को अपने गले में नहीं डालना चाहेगा। लेकिन सोच कर देखिए, अगर आप इस जंगल में ऐसे जा रहे हों और तभी आपके सामने स्टैचू इस तरह से आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस स्टैचू को कब और किसने बनवा कर यहाँ खड़ा किया ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। देखने में वैसे लग रहा है कि ये स्टैचू जरूर किसी गर्भवती औरत का है। लोकल लोग बोलते हैं कि सन 1970 के दशक में एक आर्ट स्टूडेंट था जिसने इस स्टैचू को तराशा था, लेकिन वो स्टूडेंट कौन था और अभी तक सामने क्यों नहीं आया इसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते। इस स्टैचू के आसपास मीलों तक कोई घर मौजूद नहीं है, दशकों से ये स्टैचू ऐसे ही यहाँ खड़ा है और इसका रहस्य इसके चारों ओर ही घूम रहा है। जब भी किसी इतिहासकार को नई गुफा को टटोलने का मौका मिलता है तो यकीन मानिए उसकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की होती है। और यकीन मानिए, आज भी इस दुनिया में हजारों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जिनमें कई हजार सालों से आज तक किसी व्यक्ति ने कदम नहीं रखा और इनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं। और मैं कनाडा में मौजूद इस गुफा की बात कर रहा हूँ और इसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें अंदर पूरा एक शहर बसा हुआ हो। सन 2018 के दिसंबर महीने तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में मिली इस गुफा को बिल्कुल एक्सीडेंटली ढूंढा गया और यकीन मानिए ये गुफा आज भी कनाडा की सबसे दुरस्त गुफाओं में से एक है। इस गुफा का मेन गेट साल के ज़्यादातर महीने में बर्फ से ही ढका हुआ रहता है और यही कारण है कि इसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका था। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस गुफा की गहराई पूरे 2 मील की है? लेकिन यह आंकड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि अभी तक इसके अंदर जाकर वैज्ञानिकों ने नहीं देखा है। क्या पता इसके अंदर कोई और गहरा राज मिल जाए। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक लेटर के बारे में बताया था जो कि एक घर के फर्श के नीचे दबा हुआ मिला। अब लेटर छोड़िए, मैं एक फ़ोटो की बात करता हूँ जो कि एक घर के दीवार में छिपी हुई मिली। जी हाँ, कनाडा के नोवा स्कोशिया के हैलिफैक्स इलाके में बने इस घर के अंदर मिली है फ़ोटो सच में बहुत हैरान कर देने वाली है। और यहाँ ना सिर्फ ये फ़ोटो मिली बल्कि यहाँ पर बहुत सारे और भी कागजात कुछ इस हालत में छिपे हुए थे। ये लेटर्स जो आप अभी देख रहे हैं ये असल में उस जमाने के ग्रोसरी स्टोर्स के कूपन वगैरह हैं और अगर इन ग्रोसरी स्टोर्स के कूपन्स पर लिखी हुई डेट को सही माने तो ये महिला जरूर इस घर में 1890 के दशक में रह रही होगी। जी हाँ, सोच कर देखिए, आज से तकरीबन 125 सालों पहले। लेकिन अब सवाल ये था कि क्यों उस महिला ने या फिर उस महिला के परिवार वालों ने इस तरह की चीज़ों को अपने घर की दीवारों में खुदवा दिया था। इसके अलावा उन्होंने इस दीवार में कनेडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ की जो मंथली मैगजीन होती है उसे भी साथ में चिनवा डाला। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है ये महिला ज़रूर एक टाइम कैप्सूल बनाने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन उस टाइम पर टाइम कैप्सूल वगैरह बनाने का कोई रिवाज इस दुनिया में था ही नहीं। आज जो लोग इस घर में रहते हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इस महिला के किसी रिश्तेदार को या फिर उनके किसी पीढ़ी को अपने आसपास कहीं ढूंढ ले और उन्हें ये सब चीज़ें वापस लौटा दें।
लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ अभी तक कोई सक्सेस नहीं लगी है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट महाराणा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।